हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हो? अच्छे हो? मैं उम्मीद रखता हूँ आप अच्छे हो। JH न्यूज़ चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और मेरा एक खास रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ आप लोग ज़्यादा ज़्यादा से शेयर कीजिए। मैं आज जिस बात का ऊपर बात करने जा रहा है, ये बात है जो राहुल गांधी जी ने बोला, साल में महीना में 6,000 और साल में 72,000 यानी 72,000। क्या उम्मीद रखती है आप लोग वो राहुल गांधी की वादा वादा रहेंगे या ये वादा पूर्ण होंगे? आप कैसी लगते हैं आपको, कमेंट के जरिया से बतलाइए। मेरा को तो उम्मीद है, तो मैं बात करेंगे तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये पहले चुनाव हुआ आज से 4-5 महीना पहले, जो चुनाव हुआ असेंबली इलेक्शन हुआ, उसमें उन्होंने वादा किया ये कृषकों की लोन माफ करेंगे, कर्जा माफ करेंगे। बोला हमारा गवर्नमेंट आएंगे तो 10 दिन के अंदर ये कर्जा माफ होंगे, लेकिन 10 दिन तो नहीं गया, बिल्कुल 2 दिन के अंदर ही तीनों स्टेट में, मतलब दो स्टेट में तो 2 दिन के अंदर और तीसरी और एक स्टेट में तो माफ कर दिया। तो आप लोग को कैसी लगता इस बार की जो वादा है उनका, जो गरीब आदमी की 12,000 से, मतलब 12,000 से नीचे यानी 12,000 के नीचे जिसकी इनकम होगा, उनको महीना में 6,000, हर महीना में 6,000 और साल में 72,000 यानी 72,000 भेजेंगे। और वो बोल रहे सीधा परिवार की महिलाओं की बैंक अकाउंट में भेजा जाएगी। ये आप लोग को कैसी लग रहा है ये वादा? ये सही हो गया, ये क्या वादा पूर्ण होंगे या वादा वादा ही रह जाएंगे? आप लोग जरूर मेरे हमारा ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और साथ ही साथ लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन दबाना मत भूले, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं कोई वीडियो डाले तो वो आपको पहले मिल जाए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद रखता हूँ आप लोग सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। और आप लोग का क्या सोच है ये 72,000 लेके या राहुल गांधी का बात का ऊपर, आप लोग जरूर कमेंट से बताइए। धन्यवाद, थैंक यू।